हाय, बहुत एक्साइटेड हूँ. वो वुमेन ऑफ द ईयर टाइटल है. आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वुमेन ऑफ द ईयर. एवरी सिंगल वुमेन हियर प्रेजेंट टुडे इज वुमेन ऑफ द ईयर. लेकिन वोग ये प्लेटफॉर्म जो देता है, ट्रूली डिजर्विंग और इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग इस साल की जो भी महिला रही हैं उनके लिए इज वेरी वेरी इनकरेजिंग. अरे ये सवाल मैं एक्चुअली कार में सोचती आई थी, बिकॉज आई ऑनेस्टली कांट थिंक, बट देयर समबडी हु इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड हु इज ताहिरा कश्यप. And I think she's a very dear friend, and she's been extremely inspiring with her journey. And I salute her for inspiring so many of us and motivating so many of us. So for me, I think she's had a great year, a great victorious and inspiring year. इक्वालिटी पर एक्चुअली कुछ कहने के लिए है नहीं. द फैक्ट दैट आई एम वी आर डिस्कसिंग इक्वालिटी, इसका मतलब ये है कि फेमिनिज्म को सही तरीके से देखा जाए, इक्वालिटी हर लेवल पर इक्वालिटी होनी चाहिए, पे पर इक्वालिटी होनी चाहिए, एजुकेशन पर इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट्स पर इक्वालिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ पर इक्वालिटी होनी चाहिए. तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी एंड फॉर एनी कल्चर. और आज जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है एंड यू नो ग्लोबल मैप पर आ रहा है, हर एक एरिया ऑफ लाइफ पे, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, चाहे वो काम हो, चाहे वो डिफरेंट वेरियस इंडस्ट्रीज़ हों, तो आई थिंक वुमेन हैव रियली प्रूव दैट दे कैन ब्रिंग द कंट्री ऑल्सो यू नो ऑन द ग्लोबल मैप. एंड दे हैव डन दैट. देव बीन मैनी 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 एग्जाम्पल्स लाइक दिस. प्रियंका चोपड़ा इज़ वन वेरी वेरी बिग एग्जाम्पल. एंड बहुत सब क्रॉस ओवर हो रहा है एज फार एज हमारी इंडस्ट्री की हम बात करें अगर, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गेटिंग देयर. एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि हमारे जो मेन फोक हैं वो इस चीज़ को इनकरेज करें और इस चीज़ को बढ़ावा दें अंटिल दे वॉइस आउट द फैक्ट दैट दे इनकरेज एंड सपोर्ट इक्वालिटी फॉर वुमेन. थिंग्स विल नॉट चेंज. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी मिक्स्ड रिएक्शंस हर चीज़ के लिए होते हैं. जब सेक्रेट गेम्स वन आया था तो लोगों के लिए एक बहुत नई चीज़ थी. पीपल डिड नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस. और जब आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं किसी चीज़ से, यू आर ब्लोन अवे बाय सरप्राइज. हमेशा एक फ्रेंचाइज होता है और फ्रेंचाइज में पार्ट टू सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगा. जो आपने सीज़न वन में देखा ज़रूरी नहीं है सीज़न टू में आपको सेम चीज़ देखने को मिले. तो आई थिंक आई रियली अप्लॉड द मेकर्स दैट दे हैव द करेज टू टेक सीज़न टू, give it another route, take another route for season 2 and make what they did make out of it, and I'm very very proud of it. party it's also my daughter's first Diwali. She's just turned 6 months, so it's very exciting. Hum log bahut Diwali parties attend kar rahe hain khud ki bhi kar rahe hain, aur aap sab please invited hai meri Diwali party pe. thank you